चलिए दोस्तों, लगभग 26 किलोमीटर का राइड करके हम पहुंच चुके हैं सामा, और ये है सामा मार्केट। बाकी यहाँ से अभी कैंपिंग के लिए सारा सब्जी वगैरह ले रहे हैं और फिर निकलते हैं अपनी कैंपिंग लोकेशन की ओर। ओके दोस्तों, पहुंच चुके हम द किले केटरी कैफे। बाकी अब यहाँ से हम ट्रैक करने वाले हैं 1 से 1.5 किलोमीटर का स्टॉप का, और जहाँ की अपनी आज की नाइट कैंपिंग होने वाली है। बाकी ये बैठे हैं सभी लोग, और अभी हम जाने हैं, हाँ अभी हमें जाने हैं स्टॉप पे। ठीक है, लगभग 200 मीटर हम ऊपर चले गए थे। तो अभी हम दोबारा से संजू भाई और मैं नीचे आए हैं, तो यहाँ से हम पानी भर के जाएंगे। 5 लीटर का ये और 10 लीटर वो है, इनफ होगा ना संजू भाई? फिर तो वही तो पानी बहुत ज़रूरी है। देखो ये है प्यारा सा गांव सामा, और अभी अपना ट्रैक चल रहा है। बाकी मौसम यार पूरे बादल ही बादल हैं, तो सनसेट भी नहीं दिख पाएगा प्रॉपर। होप कि आपको कैंपिंग लोकेशन अच्छी लगी होगी, और यार अभी ना ये बादल नहीं होते तो इतना प्यारा सनसेट आपको दिखता, बट मैं वो बता नहीं सकता हूँ। लास्ट टाइम आया था उस टाइम भी उतना प्रॉपर सनसेट नहीं दिख पाया क्योंकि बादल और। तो सबसे पहले टेंट विज करते हैं और बढ़िया आज की नाइट कैंपिंग यहाँ पे इंजॉय करेंगे अपने ग्रुप के साथ। ठीक है, शाम के 6:22 हो चुके हैं। बाकी अपना टेंट सेट हो चुका है, और यार सनसेट हुआ लेकिन सनसेट हम देख नहीं पाए क्योंकि आगे से बादलों की दीवार लग गई थी। तो ये देखिए अपना टेंट ये सेट हो रखा है, बाकी सभी भाई लोग संजू भाई, गौरव भाई और मोना भाई खड़े हैं। तो आप लकड़ियाँ ले आते फिर एक बार, बिल्कुल रात के बॉनफायर के लिए लकड़ियाँ ज़रूरी है। और वेदर देखो बहुत प्यारा हो रहा है। देखो यहाँ पे थोड़ी बहुत लकड़ियाँ सूखी हैं, है जल जाएगी। पहले देख, चलिए मैं लाता हूँ थोड़ा, रुक जा इसको मैं पकड़ लूंगा इसको। हाँ ठीक है, देखो एक बड़ी लकड़ी तो मिल गई, अगर ये चलेगी तो अच्छी रात कट जाएगी अपनी। थोड़ा उस साइड से लेके आते ना। हाँ चलते, वहाँ बहुत घना जंगल है, वहाँ से लेके आते, मिल जाएंगे वहाँ आराम से। बिल्कुल बिल्कुल, जंगल के उस पार भी जाएगा तो लकड़ी खाएंगे, बहुत थोड़ा डेंजरस।
लगी फिर। और जाते हैं थोड़ी ना। हाँ और लेके आते हैं, अब वहाँ चलते हैं उस साइड। देखो लकड़ी ढूंढते ढूंढते ना अंधेरा हो ही गया अपने को, और अब ठंड भी बढ़ने लगी यार, तो सबसे पहले बॉनफायर करेंगे। वैसे हवा नहीं चली थोड़ी सी, आप मुंडी आ गई। एक बार यहाँ पे मैट बिछा लेते हैं। मुनी भाई फ्लेम लगाई सर, फ्लेम लगा दो। हाँ मैट भी उड़ रही है, अच्छे से मैटिंग कर लेते हैं। बाकी आग अपनी चल चुकी है अच्छे से, तो अब बढ़िया से गरम गरम यहाँ बैठो करो भाई यार, यहाँ पे बैठो यार, सलमा मत। अब बढ़िया गरम गरम कॉफ़ी बनाएंगे और कॉफ़ी इंजॉय करेंगे। टेबल सेट हो गया, सेट तो पीछे सामान है सारा कॉफी का। सैंडी ब्रो हाउ आर यू, निकाल दे। तो कॉफ़ी संजू भाई ने अच्छे से फेंट दी है, दिखा ठीक है, इसमें डाल देगा आप? हाँ अभी डाल दो, डाल दो आराम से, दूध मत गिरा तुम्हारा रिकॉर्ड, पिछला रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। चलो भाई कॉफ़ी बन के रेडी होगी अपनी। कॉफी के साथ ब्रेड बढ़िया स्ट्रॉन्ग कॉफी बनी है। वो दे नीचे कौन है, वो गाड़ी है क्या या कोई पड़ रहा? चलो भाई कॉफी वगैरह पी के हम आ गए अंदर, और अब ना शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं क्योंकि ना बाहर पे बैठना थोड़ा सा टफ हो रहा है, हवा बहुत तेज चल रही है। तो अंदर शॉपिंग करेंगे, फिर खाना तो हम आग में बनाने वाले। सबसे पहले मटर चिली पनीर, कहाँ के मंटर? यार क्या निकल रहा है, आ रहा हूँ मुंह के सामने ऐसा चीज हो जाएगा, हंसी हंसते रहता था। किसी ने मटर के बदले हरी मिर्च छील दिए और उसमें डाला था। अरे संजू का हो सकता है, और नहीं मैं इसमें डाला ही नहीं, एक भी एक नहीं डाला, सपोज भी कर देना चाहिए ना। हाँ ये दो कटोरे मेरे हैं, इसमें अगर तुम्हें एक गड़बड़ दिखे तो बोल। बहुत अरे बहुत छील दिया हमने तो, ये छीलते रहो ठीक है। तो पाउडर बनाएगा क्या? कचुंबर मत बनाना, क्या कर रहा है? थोड़ा सा तेरे को किसने पकड़ा है चाकू? ये बात सही बोल रहे, मैं बहुत बड़ा शेफ हूँ तुम्हें पता नहीं, हार होता ही नहीं। सारे खा दूँ क्या? ये साथ के दो तीन रख दूँ। मटर फ्रेश से खाती हूँ, वो भी नहीं है अभी खुल लिया, उसके तो नहीं है। ओ बेटा मेरा हो भी सकता है, तुम चाहे खा लेंगे। यहाँ बस वो मिलता है, मतलब कॉफ़ी और ये सब जो कोल्ड ड्रिंक हो।
चलिए भाई, फाइनली बहुत सारी वेजेस थी तो टाइम लग गया चॉपिंग करने में, तो फाइनली चॉपिंग हो चुकी है। ये देखिए बढ़िया से पनीर, टमाटर, गोभी, गाजर, प्याज, मटर और हरी मिर्च सारा चीज़ कट चुका है। अब चलते हैं बाहर और थोड़ा आग भी दोबारा से हमको जलानी पड़ेगी क्योंकि बुझ चुकी है, और बढ़िया से बनाते हैं अब पनीर बिरयानी। हमने ना डेग में मिट्टी भी लगा ली है ताकि ये जले ना, इसमें बनेगी आप बढ़िया सी वेज बिरयानी। राइजिन बनेगा, सब डाल दूं? हाँ, एक का भुट्टा बनाऊंगा ना, ये अंदर डाल, साथ में नमक ऐड कर देते हैं। ये बस बस कहाँ मिलेगी अभी मेरी, तो फिर हमें बस पकड़नी पड़ेगी। चलो बढ़िया से अपनी यहाँ पे कुकिंग चल रही है देखो, और बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है। हाफ मून आया था यार, वो भी गया, और यहाँ पे अपना टेंट, बाकी मोनू भाई अंदर बैठे हुए हैं। सारी वेजेस डाल देते हैं ताकि पक जाए, तो इसी से भर गया। ये तो अभी बहुत नीचे हो जाएगा। हाँ, अभी तो पक जाएगा। हाँ, मसाले डालने ही भूल गया मैं, तो अभी मसाले डाल दूँ सारे। सबसे पहले रेड चिल्ली पाउडर, मिक्स मसाला, हल्दी, बाकी नमक हमने पहले डाला हुआ है। अब इसमें थोड़ी देर में चावल ऐड कर देंगे। आपके सामने यार गर्मी हो रही है और थोड़े से दूर जा रहे हैं तो ठंड। चावल भी ऐड हो गए, आप बढ़िया सा अपना वेज बिरयानी बनने का वेट करेंगे। तब तक हम क्या बनाएंगे, रायता बनाएंगे। रायता बस उल्टा चल गया रे। बाहर पे ना अपना पुलाव लगभग बन गया और हम बना रहे भी रायता। एक ही पैकेट इतना लग रहा है, बहुत है, उसको ऐसे खा लेंगे हम। हाँ, चलिए भाई फाइनली अपना डिनर बन के रेडी है। देखो वेज पनीर पुलाव, बाकी ये रायता सलाद, और सभी भूखे लोग खाएं। चलो बिल्कुल खाते हैं बिना किसी देरी के यार। चलो डालो संजू भाई। चलो कब से वेट था यार डिनर करने का, बाकी टेस्ट करो गौरव भाई तो बताओ। बहुत बढ़िया है, बढ़िया ना।
सही हो रहा बाकी बाहर पे आग जली हुई है, थोड़ा सा हवा कम चल रही है अभी। बाकी देखते हैं सुबह सनराइज दिखता है या नहीं दिखता है। भाई नहीं रहा बड़े से दो लगेगा, लग गया है, लग गया है। नहीं दूंगा इसमें चादर में। ओके 11:14 हो चुके हैं, बाकी अपना प्रॉपर डिनर हो गया और थोड़ी बहुत ना हमने बाहर आग जला दी है ताकि जंगली जानवर से सेफ रहे और सभी लोग सो गए, तो मैं भी सोता हूँ। देखते हैं अगर सुबह मौसम खुलेगा तो सनराइज दिखेगा अच्छा सा। तो अभी के लिए गुड नाइट दोस्तों, मज़ा आ गया डिनर में तो, सच में बहुत शानदार डिनर था। तो अभी के लिए सोते हैं, मिलते हैं आपको सीधे मॉर्निंग में। ओके गुड नाइट। क्योंकि पक्का तेरे मुंह में भी पानी आएगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो चुकी है और सुबह के 7:30 हो गए यार। बाकी मौसम वही है, पूरे चारों ओर हेज लगी हुई है यार, तो सनराइज भी प्रॉपर हुआ नहीं है। धूप तो आ गई है बट बस आगे से पूरा हेज लगा हुआ है तो प्रॉपर आई नहीं है। बाकी गौरव भाई और संजय भाई भी उठ गए बाहर के, मोनू भाई भी सोए। बाकी बढ़िया रहा, रात अच्छी रही, कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। गुड मॉर्निंग गौरव भाई। गुड मॉर्निंग, मजा आया रात को? ठीक हुआ? बहुत मजा आया। ठंडा तो नहीं हुआ? ठंडा नहीं हुआ यार, बहुत अच्छा था टेंट। बढ़िया। संजय भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब मान लगा इस बार आज लास्ट। बाकी यहाँ पे सोए हैं मोनू भाई जो कि अभी उठे नहीं है, तो अभी बाहर चलते हैं। ये यहाँ देखो सूरज यहाँ पे छिपा हुआ है और ये अपनी कल की कैंपिंग लोकेशन थी। बाकी ये साइड को था डीप फॉरेस्ट, तो अभी यहाँ पे संजय भाई वगैरह आग जला रहे हैं। देखते हैं कुछ कॉफ़ी वगैरह बनाएंगे बढ़िया से। और व्यू अच्छा नहीं यार, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट मिली तो मौसम साफ होता तो अच्छे अच्छे नज़ारे देखते हैं यार, बट क्या ही कर सकते हैं। अपना ब्रेकफास्ट रेडी है, बन अंडा और साथ में कॉफ़ी, और इसको फिनिश करते हैं फिर निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि यार धूप बहुत ज़्यादा लग रही है। वैसे दिख नहीं रही होगी बट गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं यार। 9:50 हो चुके हैं, लगभग 10 बज गए हैं। बाकी अपने सारी पैकिंग वगैरह हो चुकी है और जितनी भी गंदगी थी सारी लोकेशन अच्छे से क्लीन कर दी है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने कैंप किया था, बट आपको लगेगा नहीं कि यहाँ पे हमने कैंप किया था। देखो थोड़ा सा भी कूड़ा यहाँ पे बचा नहीं है,
बाकी देखो ये डॉगी अभी बैठा है, इसको भी हम साथ में ले जाएंगे नीचे। और ये इतनी लकड़ी हमारे पास बच गई थी तो वो किसी के काम आ जाएगी। बाकी आग बुझाते हैं अभी थोड़ी देर में, तो अभी सब रेडी है, निकलते हैं हम यहाँ से घर के लिए। बाकी मिलते हैं आपको बहुत जल्द एक और नई नाइट कैंपिंग वीडियो के साथ और ऐसे ही बेहतरीन बेहतरीन लोकेशन पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि ऐसे ही कैंपिंग वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। तो टेट डेट, बाय बाय, टाटा दोस्तों, बाय बाय सब लोग, बाय बाय।